ये कैसे होगा सर? हेलो स्टूडेंट, सीटेट के इस बैच में आप सभी का स्वागत है। हम पौधे को देख रहे थे, आज पौधों से ही संबंधित हमारा फोर्थ लेक्चर होगा। आज हम पौधों के प्रमुख भाग को समझेंगे। क्यों समझेंगे? इसका कारण एक ये भी है कि आपका जो एग्जामिनर होता है, हमें सिलेबस में बहुत ही बेसिक टॉपिक दिया जाता है प्लांट्स, और हम क्या करते हैं, हम जनरली उन्हें पढ़कर चले जाते हैं, और आपका एग्जामिनर बहुत ही डीप में सवाल करता है और हमें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हमें बहुत डीप में पढ़ना है। आज हम पौधे के प्रमुख भाग को देखेंगे, हर एक पार्ट्स को गहराई से समझेंगे, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं से बाहर ना जाए, आपका कहीं से भी सवाल पूछे तो आप बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं पौधों के प्रमुख भाग को। अब हमारा जो पहला भाग है जड़, अब देखिए जड़ हमें इस तरह से तैयार करना होगा ताकि आपका एग्जामिनर जड़ से संबंधित कोई भी सवाल करे तो आप उन्हें बना सके। होता क्या है कि हम बेसिक चीज़ें पढ़कर जाते हैं और एग्जामिनर बहुत डीप में क्वेश्चन कहता है। ये मैं शायद दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसका कारण यही है ताकि आप लोग एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझें और प्रॉपर नोट्स बनाते चले। चलिए हम देखेंगे पौधों के प्रमुख भाग को। याद रखिएगा कि आपका जो पौधे के प्रमुख भाग है मेनली फाइव पार्ट्स में बटे होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला आपका क्या होता है, रूट होता है, उसके बाद आपका तना, फिर फ्लावर, फ्रूट्स और आपके लीफ। ठीक है, क्रम जैसा भी हो, हमें याद रखना है कि आपके जो मेनली पौधे के जो प्रमुख भाग होते हैं वो पांच भागों में बटे होते हैं। सबसे पहले जड़, फिर तना, फिर आपका पत्ती, फिर फूल और फिर आपका फल। आज हम देखेंगे किसको, आपके जड़ को समझेंगे कि आखिर जड़ होता क्या है और जड़ के प्रकार कितने होते हैं और जड़ का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को हम समझते चलेंगे। इमेज द्वारा समझेंगे, ये आपका जड़ है, तना, पत्ती, फल और फूल। अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ क्या होता है, याद रखिएगा जड़ पौधे का अस्तित्व को बनाए रखता है। अगर जड़ नहीं होगा तो पौधे का विकास किसी भी हालत में नहीं हो सकता। मतलब पौधे के अस्तित्व की बात करें तो पहला जो अस्तित्व होता है वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, आपके जड़ की होती है। जड़ से ही किसी पौधे का अस्तित्व का प्रारंभ होता है। और अगर हम जड़ के अस्तित्व की बात करें तो जड़ का भी अस्तित्व किससे होता है, आपके मूलांकुर से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जड़। पौधे का वह भाग, ध्यान दीजिएगा, पौधे का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश के विपरीत जमीन के अंदर विकास करता है या विकसित होता है, किसके माध्यम से, तो मूलांकुर के माध्यम से। अगर आपका जड़ सूर्य के प्रकाश के विपरीत जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप इन साइड द ग्राउंड एंड इंटर्स फ्रॉम मूलांकुर एंड गोज अगेंस्ट द लाइट इज कॉल्ड रूट और रूट। जड़ या मूल कहते हैं इसे हम। अब देखिए, ये कोई आपका बीज है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई बीज है। मान लेते हैं ये किसका बीज है, आपका आम का बीज है। आम का बीज है तो ऐसा तो नहीं है कि आम से सीधा पत्ती निकलने लग गया, फिर वो पेड़ बन गया, फिर फल देने लगा। नहीं, इसका जो अस्तित्व होता है, आपका बीज क्या होता है, मूलांकुर में बदलता है, और मूलांकुर से आपका क्या निकलता है, जड़ निकलता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इस पौधे का विकास होता है तने के रूप में। ये तना भी जो होता है ये किससे विकसित होता है, आपके प्रांकुर से विकसित होता है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो जड़, जड़ को हम अच्छे से समझेंगे। तो याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट कि जो जड़ होता है वो किसके द्वारा विकसित होता है, तो आपके मूलांकुर के द्वारा इसका क्या होता है, विकास होता है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि ये सूर्य के प्रकाश के विपरीत जमीन के अंदर आगे बढ़ता है। अब इस इमेज के द्वारा समझेंगे, ये आपका क्या है, कोई बीज है। ठीक, अब देखिए स्टेप देखिए कि कैसे एक पौधे का निर्माण होता है और कैसे एक पौधा वृक्ष का
रूप लेता है। अब ये क्या हुआ, आपका कोई छोटा बीज है। अब याद रखिएगा, अगर इस बीज से निकलते हुए आपका मान लीजिए कोई चीज़ है, हम नहीं जान रहे कि ये क्या चीज़ है, तो ये कोई क्या है, हमारा बीज है, ठीक है। अब हमें नहीं पता, अब इससे कोई चीज़ निकल कर अगर नीचे जा रहा है तो वो किसका रूप लेगा, आपके जड़ का रूप लेगा। लेकिन अगर यहीं से कोई निकल कर ऊपर जा रहा है तो वो किसका रूप लेगा, आपके तना का रूप लेगा। तो अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि मान लेते हैं हमें नहीं पता ये कौन सी चीज़ है, बस एक चीज़ है, और ये क्या हो रही है, अगर नीचे की तरफ ग्रोथ कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, आपका जड़ कहलाएगा। अब आप देखिए ये क्या है, आपका इस तरह से ग्रोथ कर रही है जड़, फिर धीरे से ये आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या किसका रूप ले रहा है, आपके जड़ का रूप ले रहा है। और ये जो आपको हेयर हल्का हल्का दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। ये रूट हेयर क्या करता है, ये रूट हेयर मेनली भोजन और जल अवशोषण का काम करता है। इधर ध्यान देंगे, ये आपका क्या हो गया, कोई चीज़ है, हमें नहीं पता क्या है, हम बस जान रहे हैं कि ऐसा कोई चीज़ जो जिसके द्वारा हमारा कोई जड़ कह सकते हैं वो जमीन के अंदर विकास करता है, तो उसे हम जड़ कहते हैं। तो इसे मूलांकुर के द्वारा ये विकसित होता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर ये कोई आपका चीज़ है और चीज़ का नाम दे देते हैं बीज, ठीक, आपका ये बीज है, अगर ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो जड़ का रूप ले ले रहा है, और अगर यही ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये तना ले रहा है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके जड़ और तना को समझने का। आप देख सकते हैं ये वाला इमेज, देखिए यहाँ पर दोनों का विकास हमें देखने को मिल रहा है, पहला जड़ और दूसरा आपका तना। और हमें पढ़ना क्या है आज, आज हमें पढ़ना है जड़। तो इस तरह से क्या होता है, आपका पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है, ठीक, इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये जो आपके ऊपर जा रहे हैं ये आपका क्या कहलाता है, तना कहलाता है। ये कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट एक पौधा बन चुका है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जड़ भी देखने को मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, आपको जड़ भी मिलेगा, आपको तना भी मिलेगा, पत्तियां भी मिलेंगी, और आपको क्या बोलते हैं इसको, फूल भी देखने को मिलेगा, और यही फूल बाद में क्या करेगी, एक फल का निर्माण करेगी। जियोट्रॉप यस, फोटोट्रॉप नो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आपसे बोले जियोट्रॉप, जियोट्रॉप का मतलब होता है कि ये मान लीजिए कोई जमीन है, अगर जो जड़ होता है वो क्या करता है, जमीन की ओर डेवलप करता है, विकसित होता है, तो उसे हम जियोट्रॉप कहते हैं। अगर जड़ जमीन की ओर विकास करे तो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब यस, हाँ हमारा जो जड़ है वो जियोट्रॉप होता है, जमीन की ओर विकास करता है। लेकिन यहाँ पास क्या लिखा है, फोटोट्रॉप नो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर क्या है, जड़ जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के विपरीत कहाँ विकास करे, आपके जमीन में विकास करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉप, ठीक, क्लियर हुआ, इसका मतलब ये है, फोटोट्रॉप नो का मतलब समझिएगा कि अगर हमारा जो जड़ है वो सूर्य के प्रकाश के विपरीत जमीन के अंदर विकास करे तो फोटोट्रॉप, जियोट्रॉप मतलब कि जमीन के अंदर वो विकसित हो, ठीक। यहाँ पर यस नो का ख्याल रखेंगे, यहाँ पर यस का मतलब यही है कि जमीन की ओर इसका विकास हो रहा है, फोटोट्रॉप नो लिखा है इसका मतलब वो सूर्य के प्रकाश की ओर विकास नहीं करता है। सूर्य के प्रकाश की ओर कौन बढ़ता है, आपका तना बढ़ता है। अगर हम जड़ के मेन वर्क को देखें तो इसका मेन वर्क क्या है, इसका मेन जो फंक्शन है, मेन जो वर्क है इसका, यांत्रिक सहायता प्रदान करना है। ये पौधे को क्या करता है, आधार देता है, जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो स्थायी रूप से जमीन पर खड़े रहते हैं। आप देखते होंगे कि आप एक मुक्का मारते होंगे तो पौधे नहीं गिरते होंगे, इवन उसके लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो जड़ होते हैं वो पौधों को बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़े होते हैं। आप विशाल पेड़ देखते होंगे, आप बरगद देखे होंगे, पीपल देखे होंगे, नीम, अमरूद, जितने भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, आप देखते होंगे ईजिली वो नहीं गिरते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो जड़ होता है वो बहुत मजबूती के साथ उस पौधे को पकड़ा हुआ होता है। ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। ये क्या है आपका, ये देखिए जड़ कितने मजबूती से जमीन में इसको पकड़ा हुआ है, जिसके कारण ये इतना विशाल पौधा क्या है, एकदम स्थायी रूप से खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो जड़ है वो किसके विपरीत आगे बढ़ रहा है, सूर्य के विपरीत, यहां आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कहां आगे बढ़ रहा है, नीचे की ओर आगे बढ़ रहा है। जबकि तना है वो किसकी ओर आगे बढ़ रहा है, आपके सूरज की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहला जो अगर आपसे अंतर पूछा जाए, एक बेसिक अंतर, तो बेसिक अंतर क्या है तना और जड़ में, जो तना होता है वो फोटोट्रॉप होता है, फोटोट्रॉप मतलब कि सूर्य के प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन जो आपका जड़ होता है वो जियोट्रॉप होता है, मीन्स वो जमीन के आगे अंदर बढ़ता है। अब आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे
कि आपके जो जड़ होते हैं ना, जड़ के भी कुछ भाग होते हैं जो उसके काम को संभालते हैं। ऐसा तो नहीं कि जड़ अकेले सारा काम करता है, जड़ के अंदर भी कोई सदस्य होंगे, जड़ के भी कुछ अपने भाग हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं और रूट हेयर कहते हैं। अब देखिएगा, आप ऐसे देखिए इस इमेज के द्वारा, ये आपको ये जो दिखा ये मेन जड़ था, लेकिन इसी जड़ से क्या निकल रहे हैं, ये थोड़े थोड़े ये हेयर जैसे निकल रहे हैं। इस मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये आपका जड़ है, ठीक। अब आप देख रहे हैं ये पतला पतला, ये क्या है आपका, रूट हेयर है। तो ये यही रूट हेयर क्या करता है, ये जल अवशोषण और भोजन अवशोषण का काम करता है, जड़ नहीं करता है। जड़ के भी कुछ काम होते हैं, जैसे होते हैं ना कि एक मेन मेंबर होता है और उसके बाकी सदस्य होते हैं ऑल ओवर, सभी अपना अपना काम करते हैं। तो वैसे ही जड़ का ही एक भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, जड़ हेयर कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, जो क्या करता है, जल अवशोषण और भोजन अवशोषण का काम करता है। साथ ही ये इसकी अगर हम बात करें, ये वाला साइड याद रखिएगा, जड़ का जो ये वाला भाग है, ये क्या करता है, ये जमीन को गहरा बनाता है, जमीन को खोदने का काम करता है। तभी तो आप सोचिए कि एक छोटा सा जड़ इतना नीचे तक कैसे जाता है, कैसे पहुंच जाता है, कैसे पॉसिबल है। तो वो किसके कारण पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल है किसके कारण, आपके रूट कैप के कारण। तो याद रखना है कि जो रूट कैप होता है वो जमीन को गहरा बनाता है, जमीन को खोदने का काम करता है, जबकि रूट हेयर है वो जल अवशोषण का काम करता है। साथ ही ओवरऑल जो जड़ होता है, यही सब मिलकर क्या कहलाते हैं, यही सब मिलकर जड़ कहलाते हैं। और यही जड़ क्या करते हैं, एक पौधे को, एक पेड़ को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, जिसके कारण आपका जो पेड़ होता है वो स्थायी रूप से खड़ा होता है। तो हमने देखा कि आपका जड़ है, जड़ में क्या है, कुछ मूल रोम है, तो रोम भोजन अवशोषण जल अवशोषण का काम करते हैं। साथ ही जो सीधे नीचे जाता है, ये क्या करता है, मिट्टी को खोदने का काम करता है, जमीन को खोदने का काम करता है। और ऑल ओवर यही सब जड़ मिलकर क्या करते हैं, एक पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। रूट हेयर जल अवशोषण का कार्य, रूट कैप मिट्टी को गहरा बनाना। क्लियर हुआ, ये क्या है आपका, जो रोमा रोमा दिख रहा है ये रूट हेयर है, और ये जो सीधा ऐसे नीचे जाएगा ये क्या होगा आपका, रूट कैप होगा। एक चीज और समझेंगे कि याद रखिएगा, जो जड़ होता है, जड़ का भी जो जमीन को क्या कहता है, गहराई बनाता है, कौन गहरा बनाता है, आपका रूट कैप, ठीक है। जड़ तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन जमीन को गहरा बनाता है वो किसका काम होता है, आपका रूट कैप का होता है। तो जो रूट कैप होता है ना, जितने भी आप पौधे देख रहे हैं अपने आसपास, मान के चलिए 95% पौधे ऐसे हैं जिसमें रूट कैप पाया जाता है, जहां आप आसपास जितने भी देख रहे हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें रूट कैप का अभाव रहता है, फॉर एग्जांपल आपका जल में पाए जाने वाले पौधे, और ये किसका एग्जांपल है, आपका जलकुंभी। जलकुंभी एक उदाहरण है किसका, कि इसमें रूट कैप का अभाव रहता है, यही कारण है कि ये गहरा नहीं होता है, पानी में ही तैरता रहता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें रूट कैप का अभाव होता है। तो आपका जल में पाए जाने वाले पौधे, फॉर एग्जांपल आपका जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जिसमें रूट कैप का अभाव होता है। हमारे आसपास जितने भी पौधे पाए जाते हैं उन सभी में रूट कैप पाया जाता है, ठीक है, किंतु जाल में पाए जाने वाले पौधों में इनका अभाव रहता है। रूट कैप इज फाउंड इन ऑल द प्लांट्स फाउंड अराउंड अस। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, हिंदी वाले भी नोट्स बनाते चलेंगे और इंग्लिश में भी, जरूरी नहीं है कि हिंदी वाले प्योर हिंदी में बनाते चलेंगे, क्योंकि कभी कभी साइंटिस्ट जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका इंग्लिश में पूछ दिया जाता है, तो दोनों में ही आपको ध्यान रखना है, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे एग्जाम ना निकालने की, ठीक। भूमि में रहने के कारण जड़ों का रंग सफेद तथा मटमेला होता है। अब ठीक है, ये सारी चीजें तो क्लियर हुई, लेकिन हमारे मन में आता है, ठीक है, पत्तियों का रंग हरा होता है, हमें पता है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, लेकिन आपके जो आपके जड़ होते हैं उनका कलर इतना अजीब क्यों होता है? तो उनका कलर इसलिए अजीब होता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के विपरीत जमीन के अंदर ग्रोथ करते हैं, इसी कारण या तो ये सफेद कलर के होंगे या तो आपके भूरे कलर के होंगे। आप लोग ना कभी उखाड़ते होंगे जमीन से कोई पौधा, तो आप लोग जड़ को नोटिस किया करिए, आपको या तो भूरे रंग में दिखेंगे या तो सफेद रंग के। मैक्सिमम पौधे आप देखेंगे तो उसका जो मूल कैप होता है, या कह सकते हैं रूट कैप,
जो जमीन को गहरा बनाता है, जो जमीन को खोदता है, वो मेनली आपको व्हाइट कलर देखने को मिलेंगे। कुछ पौधे हैं जिसमें आपको ब्राउन भी देखने को मिलते हैं। तो क्लियर हो गया कि इनका रंग ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मिट्टी में होते हैं। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रूट की। रूट के भी अपने कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। हमने क्या समझा, हमने समझा इसके पहले कि रूट क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका जो अस्तित्व है वो कहाँ से होता है। तो उसका अस्तित्व हमने देखा कहाँ से प्रारंभ होता है, उसका अस्तित्व मूलांकुर से होता है। साथ ही हमने पौधे के जड़ के प्रमुख भाग को समझा कि जड़ के प्रमुख दो भाग होते हैं, एक तो रूट कैप होता है, एक तो रूट हेयर होता है। रूट हेयर क्या करता है, भोजन और पानी का अवशोषण करता है, जबकि आपका जो रूट कैप होता है वो जमीन को खोदने का काम करता है, जमीन को गहरा बनाता है। साथ ही अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रूट का, तो टाइप्स ऑफ रूट बहुत सारे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अलग अलग जगह का एनवायरनमेंट भी अलग अलग होता है, उस हिसाब से जड़ भी क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, जिसके कारण पौधे भी अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो है आपका टैप रूट, ठीक है। टैप रूट चूंकि ये भी एक प्रकार है, एक जड़ का भाग है, टैप रूट। टैप रूट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि ये देखिए इसी को कहते हैं टैप रूट। आप इसे एक समझ सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये टैप रूट है। क्यों, क्योंकि ये ही मिट्टी को क्या करता है, गहरा बनाता है। मैं इसे एक और कलर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, यही करता है मिट्टी को गहरा बनाने का काम, याद रखिएगा। और ये किस में नहीं पाया जाता है, ये जल में पाए जाने वाले पौधों में क्या रहता है, उपस्थित नहीं होता है, इनमें अभाव होता है। और ये जो साइड साइड में निकले, ये क्या है, आपके रूट हेयर है। और ये आपको क्या बता रहा है, स्टेप बता रहा है कि यहाँ पर ये क्या होता है, प्राइमरी रूट होता है, फिर ये क्या होता है आपका टर्शरी होता है, फिर आपका ये सेकेंडरी होता है, ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है। और पैरासाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक मीन्स आपका परजीवी जड़ भी होता है। परजीवी जड़ क्या होता है, परजीवी जड़ आपका ऐसा जड़ होता है जो दूसरे पौधों पर निर्भर होता है, उन्हीं के ऊपर क्या करता है, विकास करना शुरू कर देता है। ये अमरबेल इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, आपका अमरबेल पौधा का। आप देख सकते हैं कि ये आपको जो दिख रहा है ये दूसरे पौधे, लेकिन ये जो जाली टाइप का जमा है वो कौन है, आपका अमरबेल है। तो ये क्या करता है, इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता है, इन्हीं के सहारे जीता है, कौन, आपका अमरबेल। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पौधा कहते हैं। क्योंकि ये परजीवी पौधा है तो निश्चित रूप से इसका जड़ भी क्या है, क्योंकि अस्तित्व ही इसका जड़ कहाँ से हुआ है, आपके परजीवी से। क्योंकि इसका जड़ परजीवी है तो आपका पौधा भी परजीवी होगा। आप देख सकते हैं इसमें जड़ों का भी विकास किस पर हो रहा है, दूसरे पौधों पर हो रहा है। तीसरे टाइप की हम बात करें तो एपिफाइटिक पौधा बोलते हैं इसे हम, अधिपात। ये क्या होता है, ये ऐसा पौधा होता है जो भोजन या किसी चीज के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर तो नहीं होता, किंतु दूसरे पौधे के साथ ही उगता है। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, हमसे ही कोई दूसरे व्यक्ति ने क्या ले लिया, हमारे किसी हिस्से से जन्म ले लिया। तो ये थोड़ा आउटर एग्जाम्पल हो जाएगा, पर ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई पौधा है, इतना आप देख रहे हैं, ये कोई अलग से पेड़ है, आपका पौधा है, और देखिए यहाँ से दूसरे पौधे का निर्माण हो रहा है। भले ही ये इस भोजन के लिए या किसी चीज के लिए, नमी के लिए इस पर निर्भर नहीं है, पर विकसित कहाँ से हो रहा है, इसी से हो रहा है। मतलब इस पौधे का अस्तित्व किससे जुड़ा है, इस पौधे से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ, एक एक करके हम समझेंगे, बस एक ऑल ओवर हम समझ रहे हैं। अगर हम बात करें एडवेंटियस का, तो एडवेंटियस पौधे क्या होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें क्या होती हैं, बाहर होती हैं। तो इनके भी दो प्रकार होते हैं, एक तो ऐसे पौधे जो 90 डिग्री पर जिनका जड़ होता है, और एक ऐसे पौधे जो ऐसे ऐसे बस निकले होते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका जो ऐसे मैंने बताया कि 90 डिग्री पर नहीं होते, ये वो पौधे हैं। और ये क्या होते हैं, ये ऐसे जड़ होते हैं जो 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक, ये 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये पौधे जो होते हैं, इन्हें जड़, ये दूसरा टाइप इसलिए कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये क्या होते हैं, पौधों के बाहर होते हैं ये जड़। तो हमने अभी कौन कौन सा टाइप देखा, हमने देखा कि सबसे पहला जड़ हमने क्या देखा, कि जो मूल, आपका जो मूल जड़ होता है, मूल जड़ कहने का मतलब ये है प्राथमिक जड़। क्यों कहते हैं इसे प्राथमिक जड़, क्योंकि ये पौधे का अस्तित्व होता है, ये किसी जड़ का अस्तित्व होता है। दूसरा हमने देखा कि परजीवी जड़, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। और तीसरा आपका एडवेंटियस, ये जो होता है इसकी जड़ें बाहर होती हैं। क्लियर हुआ, सबसे हम बात पहले बात करें टैप रूट की। तो टैप रूट की अगर हम बात करें, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मूसला जड़। चलिए, टैप रूट और टैप आपका जो कैप है, रूट कैप, इन दोनों में अंतर है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, टैप रूट और आपका रूट कैप, उसमें अंतर है।
जो आपका टैप रूट है वो आपके रूट का एक टाइप है, जबकि आपका जो रूट कैप है वो आपके रूट का एक पार्ट है, एक भाग है, जो क्या करता है, जमीन को गहरा बनाने का काम करता है। लेकिन ये जो मूसला जड़ होता है ना, ये प्राथमिक जड़ें होती हैं, इसे समझेंगे हम। इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ यही क्या करता है, मेन जड़ होता है, इसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। इसी के द्वारा बाकी क्या क्या होता है, निर्माण होता है, बाकी सब हम देखते हैं। अब देख लीजिए, ये क्या है आपका, यहीं से जैसे हम बात कर रहे थे ना, ये आपका रेटिकल का एग्जाम्पल हो गया। यही जब बाहर निकलेगा और जड़ का रूप होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, मूल जड़ या मूसला जड़ कहेंगे। ये क्या आपके रेटिकल्स हैं। अब देखिए, ये जो आपने देखा कि एक बीज है, ये एक ध्यान से देखिएगा आपका क्या है, मूल जड़, इसे हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। इसी मूसला जड़ से आपका क्या निकल रहा है, रेशा निकल रहा है। और ये जो नीचे है ये वाला हिस्सा, या इसको आप समझ सकते हैं ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, रूट कैप कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को खोदने का काम करता है। क्लियर हुआ? मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती है, जिन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या हो गया आपका, ये प्राथमिक जड़ हो गया, ये क्या है आपका, प्राथमिक जड़ हो गया। लेकिन यहां से जो ऐसे निकल रही है, ये आपकी क्या हो गई, द्वितीयक जड़ हो गई। और इसी द्वितीयक जड़ से ही कुछ शाखाएं निकल रही है, ठीक, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक जड़ कहेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, द्वितीयक जड़ कहते हैं। द्वितीयक जड़ों से पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती है, जिन्हें हम तृतीयक जड़ होते कहते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई डाउट होगा। सबसे पहले आपका मेन जड़ निकलता है, फिर मेन जड़ से ही क्या निकलता है, दूसरा जड़ निकलता है जिसे हम द्वितीयक जड़ कहते हैं, द्वितीयक से ही आपका तृतीयक निकलता है जिसे हम तृतीयक जड़ कहते हैं। एक और एक बार इमेज से समझेंगे, आपका हो गया मूल जड़, ये जो आपका निकल रहा है इसे हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी रूट या सेकेंडरी जड़। और इसी सेकेंडरी जड़ से आपका क्या निकल रहा है, और निकल रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, तृतीय जड़। यह जड़ सभी पौधों में पाया जाता है। जैसे मैंने कि बताया कि जो जड़ होता है, जो आपका मूसला जड़ होता है, वो सभी जड़ों में होता है, लेकिन कुछ में इसका अभाव होता है। प्रारंभ से ही ये जड़ पौधों में उपस्थित रहते हैं तथा अंतिम तक इसका अस्तित्व बना रहता है। अगर इस जड़ को हम काट दें तो पौधा भी क्या होगा, गिर जाएगा। इसलिए कहा जाता है पौधों में प्रारंभिक रूप से उपस्थित रहते हैं, तब तक ये पौधों के साथ जब तक रहते हैं तब तक पौधे का अस्तित्व बना रहता है। अगर धोखे से हम मूसला जड़ को काट दें तो पौधे का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, इवन पौधा तुरंत गिर जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसे आधार कौन प्रदान करेगा, फिर कोई चीज ही नहीं बचेगी। इसी कारण इसे कहा जाता है। जल में पाए जाने वाले पौधों में टैप रूट का अभाव रहता है। मैंने ये बात आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा था कि जल में रहने वाले पौधों में क्या होता है, टैप रूट का अभाव होता है। चूंकि सभी पौधों का विकास इसी पौधे के द्वारा होता है और ये पौधे की पहली जड़ होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। याद रखिएगा, प्रारंभ से ही ये पौधों में रहता है तथा अंत तक बना रहता है, साथ ही ये सभी पौधों में पाया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। जब तक टैप रूट रहेगा तब तक पौधे का अस्तित्व बना रहेगा, टैप रूट काट देने पर पौधा गिर जाएगा। टैप रूट मतलब मूसला जड़। ये क्या हो गया आपका, हमने देखा क्या, मूसला जड़ के बारे में। अब हम सेकेंड देखेंगे किसके बारे में, आपके परजीवी जड़ के बारे में। परजीवी जड़ क्या होता है, नाम से स्पष्ट पड़ रहा है, परजीवी, क्योंकि पौधा भी क्या होते हैं, जीव होते हैं। तो परजीवी, जो दूसरों पर जीवित रहते हैं या दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। हम भी बचपन में क्या रहते हैं, परजीवी टाइप से रहते हैं, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं। भले बाद में हम क्या हो जाते हैं, सेल्फ हो जाते हैं, पर स्टार्टिंग में जब हम बच्चे होते हैं और ज्यादा बच्चे रहते हैं तो हर चीज के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी रहते हैं। तो बिल्कुल अमर बैल भी आपका क्या होता है, परजीवी का एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार का जड़ जमीन पर ना जाकर दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। मैंने आपको इमेज में दिखाया था कि ये देखिए कोई पौधा, ये देखिए इसके ऊपर ही क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, आपके अमरबेल का एग्जांपल है।
सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इस प्रकार के जड़ वाले पौधे भोजन हेतु दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। कह सकते हैं हम इन जनरल टर्म्स प्लांट्स विद दिस टाइप ऑफ रूट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड। परजीवी मूल का उदाहरण अमरबेल है, याद रखना है, और कुछ नहीं सूझा तो आपको अमरबेल इसका उदाहरण है। अगर आपसे मूसला जड़ का उदाहरण पूछे तो याद रखिएगा हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं वो सब क्या है, मूसला जड़ के उदाहरण है। केवल आपके जल में पाए जाने वाले पौधों में मूसला जड़ नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछे परजीवी जड़ का उदाहरण तो अमरबेल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम इपीफाइटिक। इपीफाइटिक मतलब आपका क्या होता है, अधिपाद। इसका अधिपाद अर्थात वह जड़ जो जमीन से ना निकलकर दूसरे पौधे से निकलता है। याद रखना है कि ये पौधा क्या करता है, सभी पौधे क्या करते हैं, उनका जो जड़ होता है वो जमीन से विकसित होते हुए एक वृक्ष बनता है। लेकिन जो इपीफाइटिक पौधे होते हैं वो दूसरे पौधे से निकलते हैं, मतलब उनका जो जड़ का निर्माण होता है वो दूसरे जड़ों के द्वारा होता है, दूसरे पौधे के द्वारा होता है। यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है कि वह जड़ जो जमीन से ना निकलकर दूसरे पौधे से निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अधिपाद कहते हैं या इपीफाइटिक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक पेड़ से दूसरे पौधे का निर्माण होना। किंतु यह जल हेतु उस पौधे पर निर्भर नहीं रहता, याद रखिएगा। अब मन में यह सवाल आता है कि यह भी उस पौधे से निकलता और वो भी उस पौधे पर निर्भर होता, तो दोनों में याद रखना है परजीवी पौधा और अधिपाद पौधे में क्या अंतर है। तो जो परजीवी पौधा होता है वो कंप्लीटली दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, चाहे वो भोजन हो चाहे वो नमी के लिए हो, सब पर किस पर निर्भर रहता है, आपके दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। लेकिन आपका जो अधिपाद पौधा होता है, इपीफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो केवल दूसरे पौधों के द्वारा क्या करते हैं, अपना कह सकते हैं अस्तित्व होता है उनका, दूसरे पौधे में ये जन्म लेते हैं या दूसरे पौधों के द्वारा इनका निर्माण होता है। किंतु ये पानी के लिए या नमी के लिए किस पर होते हैं, ये हवा से प्राप्त करते हैं, उस पौधे पर निर्भर नहीं रहते। उसका कहना है भले मेरा अस्तित्व तुझसे हुआ है लेकिन मैं तुझ पर निर्भर नहीं रहूंगा। तो याद रखिएगा परजीवी, चूंकि परजीवी और अधिपाद पौधे में सब बहुत आपके क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। परजीवी पौधा क्या है आपका, अमरबेल है, जबकि अधिपाद जो पौधा है ये क्या होता है, सिर्फ इसका अस्तित्व दूसरे पौधे से होता है किंतु ये भोजन के लिए किसी भी चीज के लिए उस पर निर्भर नहीं रहता। बस यही दो अंतर है इन दोनों में। किंतु ये जल हेतु उस पौधे पर निर्भर नहीं रहता। परजीवी पौधा क्या होता है, दूसरे पौधे पर निर्भर होता है, लेकिन अधिपाद जो पौधे होते हैं वो दूसरे पौधे पर भोजन या पानी के लिए निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि इसकी जो पत्तियां होती हैं, याद रखिएगा अधिपाद पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेलामैन कहते हैं। ये हवा से नमी प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है, ये हवा से नमी प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका, ऑर्किड प्लांट, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इमेज से देख सकते हैं हम। ये देखिए ऑर्किड पौधा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वो ऑर्किड पौधा है, ठीक। और ये और भी पौधे हैं इस पर, ये पूरे अधिपाद के ही एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं ये एक पौधा है, आप देख लीजिए ये एक वृक्ष है, तो इसमें कैसे ये दूसरा पौधा अपना जगह बना रहा है, जन्म ले रहा है कह सकते हैं। ये पौधा आप देख रहे हैं, दूसरा ये हो गया, ये एक वृक्ष हो गया, इसमें एक पौधा आ गया, एक ये एक अलग वृक्ष है, इसमें तीसरा पौधा आ गया। तो क्या है आपके, अधिपाद का एग्जाम्पल है। चौथा जो आपका एग्जाम्पल है, चौथा जो आपका टाइप है जड़ का, वो क्या है आपका, अरोही जड़, या इसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंडिंग रूट कहते हैं। याद रखिएगा फोर्थ टाइप क्या है आपका, फोर्थ टाइप है आपका क्लाइंडिंग रूट। क्लाइंडिंग रूट की अगर हम बात करें तो ये ऐसे रूट होते हैं जो क्या करते हैं, दीवार या किसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दीवार से मतलब जन्म लेते हैं या किसी और पौधे से जन्म लेते हैं, ये सहारे, इनके सहारे से क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं पिछली कक्षा में आरोही लता और विसर्पी लता पढ़ा रही थी, एग्जैक्टली ये कुछ ऐसे ही है। अगर कोई पौधा दीवार या किसी पौधे के सहारे ऊपर बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आरोही जड़ कहते हैं। और साथ ही कोई अगर नीचे बढ़ रहा है तो उसे हम विसर्पी जड़ कहेंगे। आप जड़ को भी इसमें ऐसे समझ सकते हैं और लताओं को भी, क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में आपको लता पढ़ाया है। ऐसे जड़ जो किसी दीवार या पेड़ के सहारे आगे बढ़ते हैं उन्हें हम आरोही जड़ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल है आपका मनी प्लांट।
मनी प्लांट इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं। ये देखिए, ये दीवार के क्या हो रहा है, सहारे आगे बढ़ रहा है। और आप मैक्सिमम, ये बहुत ही कॉमन एक प्लांट है, क्योंकि आप घर घर में मनी प्लांट को देख सकते हैं। माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से घर में मनी आती है, पैसे आते हैं, तो इसीलिए इसे लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़े। अपस्थानिक जड़े उसे कहा जाता है जिसे एडवेंटियस रूट, ये ऐसा रूट होता है ना जो जमीन के बाहर हो, जो जमीन के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवेंटियस रूट कहते हैं। इसके भी दो प्रकार हुए होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहले इसे हम समझते हैं कि अपस्थानिक जड़े वाले पौधों में भी क्या होता है, मूसला जड़ पाया जाता है। निश्चित रूप से जल में पाए जाने वाले पौधों में मूसला जड़ नहीं होगा, किंतु सभी पौधों में मूसला जड़ उपस्थित होगा। किंतु अगर इस प्रकार के पौधे में कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो भूमि से बाहर विकास करते हैं, इन्हें ही हम अपस्थानिक जड़े कहते हैं। अब इस ऐसे समझिएगा कि ये आपका क्या है, मूसला जड़ है, ठीक है। अब कुछ जड़ क्या है, जमीन के बाहर सूर्य की प्रकाश की ओर विकसित हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे विकसित हो रहे हैं। फिर वो भले ऐसे हो जा रहे हैं, जब इस तरह से बढ़ते हुए ऐसे हो जा रहे हैं। बरगद का पेड़ देखेंगे आप, पीपल देखेंगे, बड़े बड़े जो वृक्ष जिनके जड़े ऐसे आपको दिखाई देती है ना, तो ये अपस्थानिक का ही प्रकार है। आप गन्ना का देखिएगा, उसके जड़ ऐसे से बाहर निकले रहते हैं, वो भी क्या है, अपस्थानिक पौधे का एक एग्जाम्पल है। अपस्थानिक जड़ों के प्रकार, अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो 90 डिग्री में उसका जड़ निकलता है और एक तो बस ऐसे टाइप से निकलता है। देखिए इमेज के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए, अपस्थानिक जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्तंभ मूल या स्तंभ जड़, और दूसरा है आपका अवस्तंभ मूल। याद रखिएगा, अपस्थानिक जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्तंभ मूल और दूसरा अवस्तंभ मूल। अगर स्तंभ मूल में क्या होगा, अगर वो 90 डिग्री पर बन रहा है तो उसे हम स्तंभ मूल कहते हैं। लेकिन अगर कोई जड़ है और वो ऐसे ऐसे, क्योंकि गन्ना और आपका कह सकते हैं हम लोग, ये आपका क्या है, अवस्तंभ है। एक और पौधा है उसमें भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये क्या है, आपके स्तंभ मूल और अवस्तंभ मूल है। बस इतना याद रखना कि अपस्थानिक जड़ें ऐसी जड़ें होती हैं जिनका जो जड़ होता है वो जमीन की बाहर की ओर विकास करे, उसे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो बरगद का जो होता है ये इस तरह से होता है, ठीक, याद आया, एक मक्का और एक गन्ना। अब देख सकते हैं ये भी क्या है, जड़ है, आधा जमीन के अंदर है आधा ये बाहर है। ये भी क्या है, अवस्तंभ है। आप देख सकते हैं क्या ये ऐसे बढ़ रहा है, क्या एक बड़ा सा नहीं, ये एकदम जमीन से ही निकल के तुरंत ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं। एक कह सकते हैं एक घाघरा का सेप ले लेते हैं, तो ये आपका क्या, अवस्तंभ है। लेकिन जो इस तरह से एकदम बढ़ रहे हैं वो आपका स्तंभ मूल है। और ज्यादा डिटेल और अच्छे से देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया घाघरा जैसा रूप ले लेते हैं, तो ये जमीन से निकल कर बस ऐसे ही, एक मकड़ी का जो पैर होता है ना, अगर मकड़ी का हमारा शरीर यहाँ पर लगा दें तो एग्जैक्टली जिस तरह से उसका पैर निकला होता है बिल्कुल ही वैसा ही है। तो आपका गन्ना हो गया, मक्का हो गया, वो अवस्तंभ मूल का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। चूंकि अपस्थानिक जड़ के ही प्रकार है, हमने समझा कि अपस्थानिक जड़ें ऐसी जड़ें होती हैं जिसकी मूल क्या होती हैं, जमीन के बाहर विकास करें। और ये और एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका अवस्तंभ का है। आप देख सकते हैं इसकी जड़ें को कैसे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये लोग भी आगे बढ़कर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये सब क्या है, आपकी जड़ें हैं, ठीक। अब एक प्रकार और होता है, हमने क्या देखा, मूसला जड़ देखा, अपस्थानिक जड़ हम देखे, साथ ही हम बहुत सारे जड़ को देखे। और आपका जो अगला जड़ है वो मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड रूट मतलब होता है आपका रूपांतरित जड़े। अब जमीन से बाहर निकालने वाली जड़े हमने देखा, ठीक, और क्या हमने जड़े देखी, और हमने ऐसा जड़ देखा जो दीवार पर चढ़ता है, और हमने ऐसा जड़ देखा जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होता है, एक जड़ हमने ऐसा देखा जो दूसरे पर ही उग जा रहा है, और हमने ऐसा क्या जड़ देखा जो जमीन के अंदर जा रहा है, जो जमीन को गहरा बना रहा है, साथ ही हमने ऐसा एक और जड़ देखा जो जमीन के अस्तित्व को, जो पौधे के अस्तित्व को बनाता है। इसके अतिरिक्त आपका और जड़ है जिसे हम मॉडिफाइड रूट कहते हैं या रूपांतरित, आपका रूपांतरित जड़ कहते हैं। रूपांतरित जड़ का मतलब ये है कि अपने विशिष्ट कार्य के कारण इनका जो जड़ होता है उनके शेप में चेंज आ जाते हैं।
चेंज कर लेते हैं अपने आप को। जैसे मान लीजिए जड़ सीधे सीधे जाते हैं, लेकिन मान लीजिए भोजन संग्रहण करने के कारण कोई जड़ क्या हो गई, ऐसे फूल गई, तो ये अपने विशिष्ट कड़ के कारण या कह सकते हैं विशिष्ट रूप के कारण ये अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरित जड़ कहते हैं या मॉडिफाइड रूट कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट, अगर मूसला जड़ों में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है उसके आधार पर, दूसरा आपका मॉडिफिकेशन ऑफ आपका एडवेंटियस रूट, अगर आप स्थानिक जड़ों में रूपांतरण हो रहा है। चूंकि मॉडिफाइड रूट भी दो प्रकार के होते हैं, पहला तो आपका अगर मूसला जड़ों में रूपांतरण हो रहा है एक वो, और दूसरा आपका अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण हो रहा है वो। अब समझेंगे हम, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। अगर क्या होता है, कुछ पौधों में मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संचय करकर, मूसला जड़ों में भी क्या होता है खाद्य पदार्थों का, जड़ में ही खाद, चूंकि क्या करता है, जड़ का काम क्या होता है, पूरे भोजन को क्या करता है, पूरे पौधे को भोजन ट्रांसफर का काम कर रहा है, लेकिन अगर वो ट्रांसफर ना करके अपने अंदर ही खट्टा कर ले तो उसके भी एक प्रकार होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रूपांतरित जड़ कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ पौधों में मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संचय करके मोटी तथा मांसल हो जाती हैं, तथा इस कारण इनकी आकृति भी बदल जाती है। आकृति के आधार पर मूसला जड़ को विभिन्न नाम से पुकारा जाता है, एक एक करके नामों को हम समझेंगे। अब ये देखिए, आप लोग कभी सोचे हो, आप ये जो आप देखते हैं, गन्ना देखते हैं, आप प्याज देखते हैं, मूली देखते हैं, ये सभी क्या होते हैं, भोजन संग्रहण करने के कारण ही इस तरह का शेप बना लेते हैं। अब याद रखिएगा एक चीज, हमेशा याद रखिएगा, जड़ और तना में, चूंकि आप तने में भी ये चीज देखेंगे भोजन संग्रहण के कारण, तो याद रखना आपको एक कॉमन, जहां पास आपको इस तरह से चोखे जैसा दिखे ना, नोक जैसा, तो ये हमेशा क्या होगा, आपका जड़ होगा, चूंकि इसमें भी ये तो ऊपर से तो गोल है लेकिन नीचे से क्या है, चोखी जैसा है। गाजर में भी ऐसा ही है, मूली में भी ऐसा है, इसमें भी क्या है, ऐसे इस तरह से बना हुआ है। तो ये क्या है, आपके जड़ के बेस्ट एग्जांपल है। तो जड़ और तना में ज्यादातर लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में एक तरह का शेप दिखता है, तो याद रखिएगा जिसमें से नोक टाइप से बना रहे, ठीक, चोखी टाइप से, तो वो क्या होगा, आपका जड़ होगा, हमेशा जड़ होगा, आंख बंद करके लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं भोजन संग्रहण करने के आधार पर भी इनके कुछ शेप्स होते हैं, जिन्हें हम कुछ शेप्स से जानते हैं नाम। जैसे हम बात करें तो तुर्क रूपी, पहला क्या होता है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, मूली का जो रूप होता है उसे हम तुर्क रूपी कहते हैं, फुसी फॉर्म कहते हैं, समझेंगे हम। तो इस प्रकार की मूसला जड़ें मध्य में फूली हुई तथा आधार एवं शीर्ष की ओर पतली रहती है। यहाँ पास ये क्या रहेगा, मोटा रहेगा, लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा ऐसे रहता है इनका शेप, आप देख सकते हैं ऐसे होते हुए ये इस तरह से ऐसे जाते हैं थोड़ा, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पास पतली है और यहाँ पर पतली है, लेकिन ये बीच में क्या है, ये मोटी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तुर्क रूपी या तर्कु रूपी कहते हैं। तो मूली इसका बेस्ट एग्जांपल है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा है शंकु रूपी। तुर्क रूपी किसे कहते हैं, जो बीच में मोटा हो लेकिन शीर्ष और आपके नीचे में कॉर्नर में क्या हो, पतला हो। और अगर आपसे पूछा जाए शंकु रूपी, तो शंकु रूपी क्या होगा आपका, इस तरह से होगा, इस तरह से कह सकते हैं हम, ये आपका क्या है, शंकु रूपी। इस प्रकार की मूसला जड़ें आधार की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती है। यहां से मोटी हुई लेकिन जब ये नीचे जाती तो पतली हो जाती। गाजर इसका क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल। तो एग्जामिनर एज इट इज यहीं से सवाल करता है, हमें समझ में नहीं आता ये तर्क रूपी शंकु रूपी क्या होता क्या है। तो यही कारण है कि हम क्या करते हैं, बस ऊपरी ऊपरी पढ़कर चले जाते हैं और एग्जाम में फंस जाते हैं, और हमें लगता है कि यार हमने तो पढ़ा था। एक्चुअल में होता क्या है कि हम डीप में नहीं पढ़ पाते हैं, और कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ चुका है। अब एग्जामिनर आपसे ऐसी बेसिक या एकदम इजी क्वेश्चन नहीं करेगा, अब वो आपको फंसाने के लिए करेगा। तो यही सब सवाल आपसे बनेंगे। अगर आप जड़ पढ़ रहे हैं तो जड़ का हर एक टाइप, हर एक क्वालिटी, और कैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनके एग्जाम्पल, हर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप जितने भी टीचिंग एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, आपका स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सीजी टेट हो, या आपका राजस्थान का टेट हो, चाहे बिहार का टेट हो, कोई सा भी टेट हो, अगर आप यहाँ इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपके कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो हमने देखा शंकु रूपी एक ये किसका प्रकार हो गया, मूसला जड़ का दूसरा हो गया भोजन संग्रह करने के आधार पर। तीसरा आपका हो गया कुंभी रूपी। कुंभी रूपी में कुंभड़ा, कुंभ कह सकते मटका जैसे या कुंभ जैसा ऐसा रूप बना लेता है। तो ये देखिए ये भी बना तो लिया, लेकिन ये क्या है, देखिए यहां से एकदम चोखी निकला है इसका, ठीक,
यहाँ पर भी क्या है, एकदम ऐसे चोखी निकला हुआ है। तो ये सब क्या है, जड़ ही तो है। इस प्रकार की मूसला जड़ों का ऊपरी भाग लगभग गोल मटोल होता है तथा फूला हुआ होता है तथा निचले की तरफ एकदम पतला हो जाते हैं, जैसे सलजम। आपका ये क्या है, आपका सलजम है। और चुकंदर, ये क्या है, आपका चुकंदर है। तो हमने क्या देखा, तुर्करूपी, तुर्करूपी में हमने क्या देखा, तुर्करूपी में हमने मूली देखा, फिर हमने शंकुरूपी देखा, शंकुरूपी में हमने गाजर को समझा, और तीसरा आपका हमने देखा कुंभीरूपी, कुंभीरूपी मतलब गोल गोल। तो याद रखना सलजम और चुकंदर। न्यू मेटाफोर, चौथा टाइप क्या है आपका, न्यू मेटाफोर। राइजोफोरा, सुंदरी आदि पौधे जो दलदली स्थानों में उगते हैं, उनमें भूमिगत मुख्य जड़ों से विशेष प्रकार की जड़ें निकलती हैं, जिसे हम न्यूटा फोर कहते हैं। ये खूंटी के आकार की होती है जो ऊपर की वायु से निकलती है। याद रखिएगा, न्यू मेटा फोर कैसे होता है, खूंटी के आकार का होता है। इनके ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम न्यू मेटा मेथोड्स कहते हैं, जैसे राइजोफोरा सुंदरी। इनका इमेज देख लेते हैं। अब देखिए, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है राइजोफोरा, ठीक। तो ये किसकी तरह होते हैं, आपके यहाँ पर लिखा हुआ है खूंटी के आकार के होते हैं। हमने पहले देखा क्या, पहले हमने तुर्करूपी देखा, फिर शंकुरूपी, फिर आपका कुंभरूपी, और चौथा आपका न्यू मेटाफोर। तो इनको ध्यान रखना है। चलिए अगला हम बात करते हैं मोडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटियस रूट। अब स्थानिक जड़ों का भी रूपांतरण होता है, ये भी हम समझेंगे कैसे होता है रूपांतरण। तो देखिए, इनमें भी कुछ विशेष काम होते हैं, ठीक है भाई। हम मूसला जड़ का बस तो थोड़ी देखें, हम अब स्थानिक का भी देखेंगे। तो अब स्थानिक जड़ों का जो रूपांतरण होता है वो पांच रूपों में होता है, तुर्करूपी, शंकुरूपी, कुंभरूपी, न्यू मेटाफोर, चार प्रकार होते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। पहला आपका क्या है, पहला आपका तुर्करूपी, दूसरा आपका शंकुरूपी, तीसरा आपका कुंभीरूपी, और चौथा आपका न्यू मेटाफोर। जी हाँ, चार प्रकार के होते हैं। तो चार याद रखिएगा, मूसला जड़ का जो रूपांतरण होता है भोजन संग्रहण करने के आधार पर, वो चार प्रकार के होते हैं। चारों के नाम याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़ की। तो भोजन संग्रहण, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना तथा अन्य विशिष्ट कार्यों को करने के उद्देश्य से भी अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो अनेक प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं। अब समझेंगे, कंदिल जड़े, इसे क्या कहते हैं हम, कंदिल जड़े। किसके आधार पर, भोज्य पदार्थों के संजय के आधार पर अगर हम बात करें तो जड़ क्या होता है। बहुत मैं इतने ज्यादा मैं डीप में पढ़ा रही हूँ कि अगर आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो ना केवल सीटेट बाकी कोई सा भी अगर वहां से सवाल आ रहा है तो आप लोग इसको कवर कर लेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना मान के चलिए कि आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो ईवीएस का सवाल आपका कहीं नहीं जाएगा। तो सवाल ऐसे ही बनते हैं आपके। कंदिल जड़े, खाद्य पदार्थों के संचय के कारण इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जैसे शकरकंद, जिसे हम क्या कहते हैं, खाते हैं उबालकर, तो शकरकंद, ठीक है, याद रखना इनका कोई निश्चित आकृति नहीं होती, किसी भी आकार के हो जाते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है, अपस्थानिक जड़ों की बात हो रही है। दूसरा, अगर हम बात करें पुलकित जड़े, पुलकित जड़े की हम बात करें तो इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ों में अनेक मांसल फूली हुई जड़ें गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार से। जैसे मान लीजिए ये क्या गया है, आपका तना गया है, तो यहीं से आपका गुच्छा गुच्छा क्या निकलेगा, इस तरह से ये लोग निकलेंगे, ठीक। जैसे डहलिया, ये किसका एग्जाम्पल है, आपके डहलिया का एग्जाम्पल है, जो अपस्थानिक जड़ में भोजन संग्रहण करने का एक उदाहरण है। तीसरा आपका ग्रंथिल जड़े, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें अपने सिरे पर फूलकर मांसल हो जाती हैं, जैसे आम हल्दी, आम जो हल्दी होती है आपकी ना, उसकी बात हो रही है, ये आपका उसी का एग्जांपल है। मणिकामय जड़े, अब मणिकामय मणि की तरह होंगी, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें थोड़े थोड़े अंतराल पर फूलती रहती हैं, थोड़ा सा शीर्ष पर थोड़ी सी कम हुई, फिर बीच में फूल गई, फिर नीचे उठ गई, जैसे अंगूर, और आपका कोला, कोला मतलब दूसरे भाषा में करेला को कोला भी कहते हैं। तो याद रखना है, मणिकामय जड़ इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है मणिकामय जड़ का एग्जाम्पल, तो अंगूर और आपका कोला या करेला। अब यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए भी कुछ जड़ें होती हैं, जैसे
स्तंभ मूल। देखिए अब स्तंभ मूल यहां बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिपीट करूंगी, स्तंभ मूल हमने क्या देखा था, बरगद का पेड़ दिखा था। सबसे पहले स्तंभ मूल क्या होता है हमने देखा था कि जो 90 डिग्री पर जिनकी जड़ें निकलती उन्हें हम स्तंभ मूल कहते हैं। और हमने देखा था अवस्तंभ मूल जो क्या होते हैं, गन्ना, और हमने किसका देखा था, गन्ना और मक्का, गन्ना और मक्का का हमने एग्जाम्पल देखा था। तो कुछ पौधे की शाखाओं में अनेक जड़ें निकलती हैं जो मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार से ये वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। वो तो भोजन के आधार पर हो गई, भोजन ग्रहण करने के आधार पर। अब यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए भी दो होते हैं, एक तो स्तंभ हो गया और आपका अवस्तंभ हो गया, तभी तो पौधे खड़ी होती हैं एकदम ढाल बनकर कह सकते हैं हम। ये क्या हो गया आपका, स्तंभ मूल का एग्जाम्पल हो गया अवस्तंभ मूल। बिल्कुल, हमने गन्ना और क्या देखा था, मक्का। तो ये आप देख लीजिएगा, पढ़ चुके हैं हम लोग, ये इमेज इसी की तो बात कर रहे हैं, अभी जस्ट हम पढ़े हैं। तो ये क्या करती हैं, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। आरोही मूल, आरोही मूल भी हमने देखा जो क्या करती हैं, दीवार पर आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार की जड़ें हर्बल तनों की संधियों या पर्व संधियों से निकलती हैं तथा पौधों को किसी आधार पर चढ़ने में सहायता प्रदान करती है। ये क्या सहायता दे रही है, पौधों को किसी आधार पर चढ़ने के लिए सहारा प्रदान करती, कौन सी, आपकी जो आरोही जड़ें होती हैं, बस इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या करी, इसकी जो जड़ें हैं ना, वो पौधों को सहारा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मदद करती हैं। कुछ पौधे यांत्रिक सहारा देने के लिए, कुछ भोजन संग्रहण करने के लिए और कुछ सहारा देने के लिए। अगला है अन्य जैविक क्रियाओं के लिए, ठीक है, यांत्रिक सहारा हमने देखा, भोजन संग्रहण करने देखा। अगला क्या है आपका, अन्य जैविक क्रियाएं, कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं, उस आधार पर भी आपकी अपस्थानिक जड़ें कई प्रकार की होती है, जैसे चूषण मूल कह सकते हैं आपको। ये क्या करता है, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें कुछ परजीवी पौधों में विकसित होती हैं जो पोषक पौधों के उत्कों में प्रवेश कर भोज्य पदार्थों का अवशोषण करती हैं, जैसे आपका अमरबेल, जिसे हम परजीवी मूल भी कहते हैं, परजीवी पौधा भी कहते हैं। ये क्या करती है, इसका जो जड़ रहता है वो क्या करता है, दूसरे पौधे से भोजन का क्या करता है, अवशोषण करता है, उनसे खींचता है भोजन। तो जिसे हम क्या कहते हैं, चूषण मूल, नाम से स्पष्ट हो रहा है, भोजन को चूसने वाला, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, चूषण मूल हुआ। ऐसा कुछ भी रटने वाला नहीं है, ना समझ में आया तो आप लोग दोबारा देखिए, नोट्स बनाते चलिए, आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल, एक तो ये अमरबेल का हो गया और एक आपका क्या देखा था हमने, एक आपका चंदन। तो ये इसका एग्जाम्पल है, चंदन की जो आपने पौधा देखा होगा जिसमें सांप लिपटे हुए होते हैं, वो भी चूषण मूल का क्या एक एग्जाम्पल है। श्वसनी मूल, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें कुछ जली पौधों में पाई जाती हैं। इन जली पौधों की प्लावी शाखाओं में विशेष प्रकार की नर्म हल्की व स्पंजी जड़ें निकलती हैं जिनमें वायु भर जाती है। इस प्रकार की जड़ें पौधों को तैरने एवं श्वसन में मदद करती हैं, जैसे जूसिया, ये एक पौधा है। तो यही सब हमने देखा, कुछ यांत्रिक सहारा कर रही हैं, कुछ भोजन के आधार पर कर रही हैं, साथ ही अभी हमने क्या पढ़ा था, साथ ही कुछ इसके पहले कुछ दूसरे पौधे से भोजन को चूसने के लिए काम कर रही हैं, जैसे अमरपैल आपका हो गया और चंदन हो गया। और अगला क्या है आपका, श्वसन, जो पौधे तैर सके, पानी में जीवित रह सके, उन्हें भी प्रॉपर क्या मिल सके, वायु मिल सके, उसका भी काम कौन कर रहा है आपका, एक जड़ कर रहा है, जिसे हम श्वसनी मूल कहते हैं या श्वसनी जड़ कहते हैं। अधिपादप मूल, अधिपादप मूल में हमने देखा था कि जो दूसरे पौधे में क्या होती है, विकसित होती है, भले ही वो अपने भोजन और दूसरे चीजों के लिए उस पर निर्भर नहीं रहती है। तो ये भी क्या है आपका, एक प्रकार का रूट है, इन्हें भी आप लोग देख लेंगे, देख लेते हैं एक बार फटाफट। इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें अधिपादपों पे पाई जाती हैं। इस प्रकार की जड़ें पत्तियों के कक्ष से निकलकर हवा में लटकती रहती हैं, उसी की बात कर रहा है। ओवरऑल सामान्य भाषा में देखें तो वो दूसरे पौधे में उसका निर्माण होता है। आर्किड का पौधा, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। इन जड़ों में वेलमिन नामक एक आर्द्रता ग्राही स्पंजी उतक उपस्थित, ना भी डीप में नहीं पूछेगा, ये सब आपको समझाने के लिए कि ऐसे बहुत बारीकी से लिखा हुआ है। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये वही बात कर रहा है कि दूसरे पौधे से उस पौधे का निर्माण होना। तो जैसे वायुमंडल की आर्द्रता को अवशोषित करता है, जैसे आर्किड हमने पढ़ा था ना कि वो पौधा भले दूसरे पौधों से बनता है, लेकिन वो अपनी पत्तियों के द्वारा क्या करता है, नमी को लेता है, वायु से ग्रहण करता है।
ये देखिए, मैंने इसी एग्जाम्पल की बात की थी, यही वो आर्किड जो भले इस पौधे से क्या लिया है, जन्म लिया है, इस पौधे से बना है, किंतु ये अपने नमी के लिए इस पौधे पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये क्या कहता है, दूसरे अपने वायु से ही, अपने आसपास पाए जाने वाले वायु से ही क्या करता है, नमी को प्रदान करता है। किसके द्वारा? अपनी पत्तियों के द्वारा। चलिए फाइनली आज हमने क्या किया, पौधे का एक प्रमुख भाग जड़ को पढ़ा जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। कल हम पौधे के नेक्स्ट भाग या नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे जिसे हम तना कहते हैं। तना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कल मिलते हैं हम तने के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।